नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर, एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम यहाँ न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे प्रियंका गांधी जी की कुंडली के बारे में कि इनका आने वाला टाइम कैसा है और इनकी पार्टी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी अपने स्टूडियो में रिनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सुमित सेठी। तो आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पश्चिम बिहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। प्रियंका गांधी जी की कुंडली हम बनाएंगे। आज है 26 अप्रैल 2024 फ्राइडे, और ये वीडियो ठीक 2 दिन बाद अपलोड होगी, 28 अप्रैल 2024 संडे को। अगर किसी के कोई क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट या मैसेज करके पूछ सकता है। और ये जो हमारी प्रिडिक्शन है हमारी अपनी, आप इसको फॉलो करें या ना करें, आपकी अपनी मर्जी है। और ये इनकी कुंडली भी एक लाइव एग्जाम्पल है सक्सेसफुल पॉलिटिशियन के लिए। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो स्टूडेंट्स या बच्चे सीख रहे हैं उनको इनकी कुंडली से हेल्प मिलेगी। चलिए अब इनकी डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ आपको। 12 जनवरी 1972, 5:05 PM। ये हमने इंटरनेट से ली है, कितनी ठीक है वो पता नहीं, लेकिन हमने इंटरनेट से ली है, तो हमारी कैलकुलेशन इसी से है। तो ये इनकी कुंडली है, ये इनका बर्थ चार्ट है। तो ये पॉइंट्स में पढ़ देती हूँ, और क्वेश्चन फिर से वही है कि जो राय बरेली में इनकी इलेक्शन है, ये इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। चलिए, लगन है मिथुन जेमिनाई। लगन मीन्स फर्स्ट हाउस, लगन है इनका मिथुन जेमिनाई, जो कि मरकरी बुध को डिनोट करता है। सूर्य लगन इनका धनु सजिटेरियस है, ये सूर्य लिखा हुआ है। तो सूर्य लगन इनका सन साइन धनु सजिटेरियस है, जो कि जुपिटर गुरु को डिनोट करता है। चंद्र लगन इनका वृश्चिक स्कॉर्पियो है, चंद्र लगन इनका वृश्चिक स्कॉर्पियो है, ये चंद्रमा लिखा हुआ है। तो 8 नंबर लिखा हुआ है। मून साइन इनका है वृश्चिक स्कॉर्पियो, जो कि मंगल मार्स को डिनोट करता है। और पोलिंग की डेट है, पोलिंग की डेट के दौरान तो अब 4 महीने पहले दोस्तों हमने प्रियंका गांधी जी की कुंडली डाली थी पहले, तो उसमें हम लोगों ने तब बात की थी। तब दोस्तों इनकी शुक्र की दशा चल रही थी, तब मैंने बात की थी कि मार्च 2024 में दोस्तों इनकी दशा खत्म हो जाएगी, उसके बाद इनकी सूर्य की दशा आएगी, बहुत ज्यादा शानदार रहने वाली है दोस्तों। तब हमारे पास पोलिंग डेट नहीं थी, ना हमारे पास इलेक्शन की डेट थी, ना पोलिंग डेट थी, ना एग्जैक्टली रायबरेली की डेट थी। तो अब ऐसी बातें सुनने में आ रही है कि शायद राहुल गांधी जी अमेठी से लड़ेंगे दोस्तों। तो अमेठी की दोस्तों मेरी वीडियो है कि अमेठी में अगर चुनाव राहुल गांधी लड़ते हैं स्मृति ईरानी के सामने, तो उसकी मेरी प्रॉपर एक्सक्लूसिव एक वीडियो है, राहुल वर्सेस प्रियंका और राहुल वर्सेस स्मृति, वो आप देखिएगा। अब दोस्तों एक बात और हवा में आ रही है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है दोस्तों। अब जैसे कल अखिलेश यादव ने कन्नौज से पर्चा भर दिया अपना, तो क्या प्रियंका गांधी भी लड़ेंगे चुनाव दोस्तों वहां से रायबरेली से? अगर लड़ेंगे तो क्या होगा, नहीं लड़ेंगे फिर तो दोस्तों बात ये होगी। अगर लड़ती है तो दोस्तों क्या सिनेरियो बनकर चलता है? तो 20 तारीख को यहाँ पे चुनाव होने वाला है, 20 मई को फिर प्रेस के अंदर चुनाव होगा, और एग्जैक्टली 20 मई के आसपास जो ट्रांजिट रहेंगे दोस्तों और जो उस समय दशा रहेगी उस पर हम फोकस करके चलते हैं। उससे इनकी कुंडली का राजयोग महाराजयोग दोस्तों हम लोगों ने दो कुंडली में डिस्कस कर रखे हैं। तो एक का तो मैंने थंबनेल डाल दिया आपके ऊपर, आप देखिएगा स्क्रीन के ऊपर। इसमें सिर्फ दोस्तों हम लोग फोकस करते हैं चुनाव में क्या रहने वाला है दोस्तों। तो बस फटाफट एक बार बताता हूँ आपको। तो लगन हो गया मिथुन, मिथुन का लगन दोस्तों हो गया मरकरी। तो सूर्य लगन हो गया इनका धनु, देखिए 9 नंबर में सूर्य दोस्तों। चंद्र लगन हो गया 8 नंबर यानी कि वृश्चिक। तो जो लोग दोस्तों कुंडली में इंटरेस्टेड हैं, जो थोड़ी बहुत जानते भी एस्ट्रोलॉजी, जैसे हमारे तो कई क्लाइंट अपनी कुंडली खुद भी देख लेते हैं, मैसेज भी आते हैं कि थैंक यू बताने के लिए, आप बड़ा डिटेल में समझाते हैं, हम अपनी कुंडली खुद भी देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो लोग दोस्तों समझना चाहते हैं कुंडली, जो समझते हैं अपनी कुंडली, इन 3 लोगों ने हमेशा फोकस करा करें दोस्तों। लगन यानी कि आपका सेल्फ हाउस, सूर्य लगन यानी कि आपका जो सन साइन होता है यानी कि जो आपके फिजिकल बॉडी को डिनोट करता है, चंद्र लगन दोस्तों जो कि आपके मन को डिनोट करता है, आपके मन के विचारों को डिनोट करता है दोस्तों। अब जब ऐसे बताया कि 20 मई को यहाँ पे चुनाव होंगे दोस्तों 5th फेज के अंदर, तो उस दिन दोस्तों सूर्य की जो जो गोचर है, बिकॉज दोस्तों सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य की महादशा, सूर्य की अंतरदशा, तो सूर्य रहेगा इनका 12th हाउस के अंदर दोस्तों यहाँ पे। तो अभी 14 मई तक सूर्य है दोस्तों एग्जॉल्टेड 11th हाउस में, दोस्तों मूव करके सूर्य आ जाएगा यहाँ पे इनके 12th हाउस के अंदर वृषभ राशि के अंदर, यानी कि दोस्तों यहाँ पे होगा सूर्य वृषभ राशि में, ठीक है दोस्तों, वृषभ में हो जाएगा। तो मर्क्यूरी होगा इनके 11th हाउस में, तो आज के डेट में मर्क्यूरी है नीच का, तो 10 तारीख को दोस्तों मर्क्यूरी मूव करके एरीज में आ जाएगा। तो एरीज यानी कि इनके 11th हाउस में पूरे चुनाव के टाइम पे दोस्तों वहीं पर रहने वाले हैं, यानी कि मर्क्यूरी दोस्तों होगा मेष राशि में गेंद हाउस के अंदर दोस्तों, क्योंकि मर्क्यूरी की प्रथम दशा है, यानी कि गेंद हाउस के अंदर मर्क्यूरी सेल्फ प्लॉट, बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन दोस्तों। दोस्तों इसके बाद बात करें मंगल की, मंगल दोस्तों इसलिए कि मंगल यहाँ पे गेंद का लॉर्ड है, और दोस्तों मंगल रहेगा इनका 10th करियर हाउस में, देखिए दोस्तों मंगल अभी करियर हाउस में ही है, तो मंगल करियर हाउस में ही रहेगा इसमें दोस्तों मीन राशि की। तो दोस्तों ये बड़ा तगड़ा कॉम्बिनेशन की सूर्य देखो दोस्तों 12th हाउस में कोई बहुत अच्छा काम नहीं करता, हालांकि दोस्तों 3rd का लॉर्ड इन 12th हाउस ये दोस्तों देता विपरीत राजयोग, तो अच्छा कॉम्बिनेशन दोस्तों, गेंद बढ़ जाते हैं, नेटवर्किंग से गेंद बढ़ जाते हैं,
आपके जो सोशलाइजिंग है दोस्तों उससे गेंद बढ़ जाते हैं। तो मर्क्यूरी जो कि सेल्फ लॉर्ड 11 था उसमें वो गेंद्स को बढ़ा के चलेगा दोस्तों, और जो कि गेंद्स का लॉर्ड है दोस्तों वो है करियर हाउस में, यानी करियर का गेंद, सत्ता का गेंद, अपनी कुर्सी का गेंद। तो अब दशा क्या कहती है, ये ट्रांसिट दोस्तों हम लोगों ने देख लिया काफी अच्छा रहने वाले, उस समय की दशा क्या कहती है दोस्तों उस पर हम लोग फोकस करके चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहे तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए, कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। तो फोन उठाइए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। और ये तो है प्रियंका जी की कुंडली, नेक्स्ट कुंडली आप किस पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी पे देखना चाहते हैं कमेंट या मैसेज करके बताइए, हम वेट कर रहे हैं। और सेम इसी पैटर्न में हम आपकी कुंडली भी दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं। आप अलाउ करोगे तो ही हम यूट्यूब पर डालेंगे, और उसका प्रोसीजर बहुत लंबा है, हमारे चार्जेस भी है, तो जो क्वेश्चन आप मना करेंगे हम नहीं लेंगे, वीडियो में आपको पर्सनली एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप चाहे तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए अब हम दशाओं पे आ जाए। चलिए हम इनकी पहली दशा लेते हैं, वीनस की महादशा। वैसे तो अब ये खत्म हो चुकी है, मार्च 2004 से लेकर मार्च 2024 तक चली 20 साल की महादशा, और शुक्र इनका 9th हाउस में था, 12th का लॉर्ड और 5th का लॉर्ड। तो ये दशा इनके लिए कैसी रही तो होगी? हालांकि दशा का मतलब बचता नहीं है तो, लेकिन आप देखिए कि मिथुन लगन के अंदर दोस्तों शुक्र की जो दशा होती है, शुक्र होता है दोस्तों आपके त्रिकोण का लॉर्ड बनता है दोस्तों, बहुत ज्यादा स्पेशल प्लैनेट, बहुत ऑस्पिशियस प्लैनेट दोस्तों, ऐसा 9th हाउस के अंदर दोस्तों। कांग्रेस में दोस्तों इनकी कोई ऑफिशियल दोस्तों इनके पास पद नहीं था, हालांकि दोस्तों उसके बावजूद दोस्तों काफी ज्यादा ही पॉपुलर रही है अपनी पार्टी के अंदर, इनका रुतबा, इनकी जो दोस्तों ताकत है काफी ज्यादा पॉपुलर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि शुक्र जब 9th हाउस में होगा, एक त्रिकोण का लॉर्ड दूसरा त्रिकोण में दोस्तों उसकी महादशा आएगी, तो दोस्तों ऐसे में इंसान की लग्जरी हमेशा रहेगी दोस्तों आसपास, लग्जरी हमेशा दोस्तों पीछा करती है, पैसे की दिक्कत नहीं होती, लग्जरी की दिक्कत नहीं होती, तो बड़ा एक सॉलिड कॉम्बिनेशन दोस्तों। और आपकी कुंडली में भी त्रिकोण की दशा चल रही है तो मान के चलिए कि चीजें बहुत सुंदर हो जाएंगी। तो जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं आज 26 तारीख, जिस दिन हम लोग दोस्तों वीडियो शूट कर रहे हैं, सेकंड फेज का दोस्तों चुनाव चल चुका है, समय काफी अच्छी पोलिंग हो रही है इस समय। और दोस्तों अभी 26 तक एटलीस्ट जब तक हम लोगों ने वीडियो शूट करी तब तक अभी तक कंफर्म नहीं है कि प्रियंका गांधी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे रायबरेली से, या राहुल गांधी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। हम इस अजम्पशन पर चल रहे हैं दोस्तों कि वो लड़ाई करेंगे, अगर लड़ेंगे तो जीतेंगे। और दोस्तों अभी तक तो बीजेपी ने भी अपना कोई वो घोषित नहीं किया दोस्तों, कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया, तो दोस्तों मुझे मालूम नहीं कि इनका गेंस कौन होगा। तो सॉलिड कंटेस्टेंट आगे दोस्तों तो हम उनके भी कुंडली बनाएंगे, अभी हम इंडिविजुअली बना के चल रहे हैं, बिकॉज हमें पता नहीं कि सामने कौन खड़ा होगा। तो शुक्र की दशा खत्म हो गई, हम आते हैं कि मेन दशा पे, सूर्य पे जो अब चल रही है आज के डेट में, अभी शुरू हुई है 9 मार्च को। चलिए फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर एंड कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है, और हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। चलिए अब हम इनकी हम करंट दशा लेते हैं जो अभी स्टार्ट ही हुई है 9th मार्च 2024 को, 9 मार्च और ये चलेगी 9 मार्च 2030 तक, मतलब 6 साल की महादशा। सूर्य इनका 7th हाउस में है, मार्केश की दशा है और 3rd का भी लॉर्ड है, तो ये दशा इनके लिए कैसी रहेगी ये आपको जल्दी एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों देखिए मिथुन लगन में दोस्तों सूर्य जो होता है 3rd का लॉर्ड बनते हैं दोस्तों सूर्य डिनोट करता है पावर को, सूर्य डिनोट करता है आपके नेम एंड फेम को, और तो थर्ड हाउस में इन्हीं चीजों को डिनोट करता है, यानी कि मिथुन लगन के अंदर सूर्य बहुत पावरफुल प्लैनेट बन जाता है, सत्ता को दोस्तों अपनी पावर को दिखाता है। और दोस्तों इसके प्लेसमेंट है कितने, 7th हाउस के अंदर, केंद्र के अंदर, तो अपने से 1, 2, 3, 4, 5, अपने से 5th हाउस में दोस्तों जुपिटर के साथ, जुपिटर की राशि में जो कि सत्ता को दिखाते हैं, यहाँ पे कुर्सियों को दिखाता है, तो साथ में आगे आपका बुध जो आपके सेल्फ को दिखाता है दोस्तों, यानी कि सूर्य की जो प्लेसमेंट है दोस्तों बहुत ज्यादा शानदार प्लेसमेंट है। 7th हाउस के अंदर प्लेसमेंट है दोस्तों के हस्बैंड को, यानी कि उनके दोस्तों हस्बैंड है रॉबर्ट वाटर, उनको दिखाता है, तो यानी कि दोनों की कंपैटिबिलिटी की बात करें, ओवरऑल दोस्तों उनकी ताकत की बात करें, वो दोस्तों यहाँ से बढ़ती हुई नजर आती है। तो बेसिकली दोस्तों सूर्य की दशा अगर हम यहाँ पे देख के चले अच्छी रहनी चाहिए, कितनी अच्छी रहेगी दोस्तों, अब हम इसकी प्रत्यंतर दशा और अंतर दशा देखें। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए जानने के लिए कि प्रियंका गांधी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, और जल्द ही हम आपका क्वेश्चन लेंगे। चलिए इस दशा को हम छोटा कर लेते हैं, अंतर दशा पे आ जाते हैं। सूर्य में सूर्य 9 मार्च 2024 को स्टार्ट हुई और 26 जून 2024 तक चलेगी, मतलब 3 महीने की अंतर दशा है ना, हाँ सिर्फ 3 महीने की दशा, ये दशा इनके लिए कैसी रहेगी? पोल के दौरान यही दशा है, पोल के दौरान ये भी पढ़ू या नहीं? ये पढ़ दो एक बार एग्जैक्ट। चलिए आपका इंतजार खत्म हुआ, हमने दशा ले ली है, दशाओं का बहुत बड़ा रोल होता है सुमित, हर बार बताते हैं, तो वही दशा है जिसमें इनकी जिसमें इनकी परफॉर्मेंस है इनकी पार्टी की, ये कैसा रहेगा?
तो सूर्य सूर्य मरकरी इस दशा को हम और छोटा कर लेते हैं, अंतर दशा पे आ जाते हैं। 17 मई 2024 को स्टार्ट होगी अगले महीने और 2 जून 2024 तक चलेगी, मतलब कि 15 दिन की दशा है। ये दशा इनके लिए कैसी रहेगी? और 20 मई को ही आपने लिखा हुआ पोल्स की डेट है। दोस्तों अब देखिए, जब ये चुनाव चल रहे होंगे दोस्तों, ड्यूरिंग पोल डे, इसमें 20 मई की बात कर रहे हैं, सिर्फ 20 मई की। दोस्तों 20 मई को दोस्तों चुनाव के जो होगा टाइम, उसमें होगा सूर्य की महादशा। दोस्तों सूर्य बहुत ज्यादा वेल प्लेस्ड है, अपने से फिफ्थ हाउस में है, तो सेल्फ हाउस में इम्पैक्ट चल के चल रहे हैं। सेल्फ का लॉर्ड साथ में दोस्तों सत्ता का लॉर्ड दोस्तों गुरु, और अपनी ही राशि के अंदर प्लेस्ड है। तो साथ में सूर्य की अंतर दशा, अगेन पावर दोस्तों मर्करी, यानी कि सेल्फ के लॉर्ड की दशा, यानी कि सूर्य और मर्करी दोस्तों एक ही राशि में प्लेस्ड है, जुपिटर के साथ प्लेस्ड है दोस्तों। तो सूर्य को यहाँ पे विपरीत राज्य में मिल रहा है ट्रांजिट के अंदर, दोस्तों थर्ड का लॉर्ड 12th हाउस के अंदर। दोस्तों मर्करी 11th हाउस गेंस को देने में दोस्तों तत्पर बैठे हुए, दोस्तों मंगल जो कि गेंस का लॉर्ड है वो सत्ता वाले हाउस में बैठे हुए, यानी कि हम इन सब चीजों को फोकस करके चले दोस्तों और 20 मई को यहाँ पे लेके चले। तो दोस्तों एक बात क्लियर कट हो जाती है कि अब सामने अगर बहुत ही कोई मोटा चुनाव प्रत्याशी आ गया या कंटेस्टेंट आ गया दोस्तों, तो एक अलग बात है, मतलब बहुत पावरफुल। मैंने यहाँ पे दोस्तों प्रियंका गांधी की जीत मुझे लगभग निश्चित नजर आ रही है दोस्तों, यहाँ पे इनकी जीत यहाँ पे होते हुए नजर आ रही है। रायबरेली से अगर लड़ाई जीत लड़ती है तो जो सोनिया गांधी जो उनकी सीट थी, जो उनकी मदर की सीट थी, उनकी मम्मी की सीट थी, जो राज्यसभा में चली गई, तो उनकी सीट को बरकरार रखेंगी और उनकी लेगेसी को आगे लेकर जा सकती है। आज की दोस्तों स्थिति है, हाँ अगर दोस्तों 20 मई से पहले चुनाव होता, मान लीजिए आज के फेज 26 को जब हम लोग बात कर रहे हैं, अगर तब चुनाव होता तब दोस्तों स्थिति दूसरी होती, बिकॉज आज दोस्तों बुध नीच का चल रहा है, सेल्फ और इनकम हाउस करियर हाउस के अंदर, तो दोस्तों इनकी हार हो सकती थी। बट क्योंकि दोस्तों यहाँ पे चुनाव है 20 मई को, जिस दिन सब कुछ हमारे फेवर में है, सब कुछ ट्रांजिट इनके फेवर के अंदर है, तो दोस्तों यहाँ पे इनकी जीत लगभग लगभग निश्चित नजर आ रही है दोस्तों। बाकी आगे क्या होगा, वो कंटेस्टेंट कौन आता है कौन नहीं आता, वो तो एक अलग बात है दोस्तों, एक बार उनको भी हम रिव्यू कर लेंगे। बट यहाँ से दोस्तों आज के डेट में 26 तारीख को, जो अप्रैल को हम लोग वीडियो में एक बात कह सकते हैं दोस्तों, एक महीने बाद जब चुनाव होगा यहाँ पे 20 मई को, लगभग एक महीने बाद, तो इनकी जीत मुझे यहाँ पे दोस्तों लगभग सुनिश्चित नजर आ रही है। और दोस्तों इसी बीच में 1 मई को भी दोस्तों जब हम लोग बात करेंगे तो गुरु का भी गोचर हो जाएगा। गुरु दोस्तों आ जाएगा इनका 12th हाउस के अंदर, और 12th का गुरु इनका पोस्ट जनता वाले घर को देखे, जनता की भी पॉपुलैरिटी बढ़ा के चलेगा। दोस्तों हर चीज इनके फेवर में चलती हुई नजर आ रही है, तो इनका जीतना मुझे लगभग निश्चित लग रहा है यहाँ पे दोस्तों। बाकी आगे क्या होता है क्या नहीं होता, वो कंटेस्टेंट सामने आएगा या 4 जून को दोस्तों मालूम चली जाएगा दोस्तों। बाकी राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच मैंने बताया था, मुझे स्मृति ईरानी का पलड़ा भारी लग रहा है, राहुल गांधी मुझे हारते हुए नजर आ रहे हैं अमेठी। चलिए मतलब हम चलिए फ्रेंड्स, सुमित ने अपनी प्रिडिक्शन दे दिया कि प्रियंका गांधी की जीत निश्चित है और राहुल गांधी जी हारते हुए नजर आ रहे हैं बिल्कुल। तो इनके वर्ड्स मार्क कर लीजिए, अगर किसी के को क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट कुंडली आप किस पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी पे देखना चाहते हैं हमें जल्दी कमेंट या मैसेज करके बताइए, हम वेट कर रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अब कौन सी वीडियो हमारी कल हमारी है मंडे ट्यूजडे की, मई के राशिफल दोस्तों बिल्कुल दोस्तों हमने डिटेल में दोनों राशिफल समझाए, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे एक पॉलिटिशियन भी डाल के फिर हम मई के ऊपर आते हैं, तो काफी बड़े बड़े चेंजेस होने वाले। चलिए फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं मई के राशिफल पे। आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।